ठीक है छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जिंदाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जिंदाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय। मैम मेरा संजू राम नाम है। मैम क्या पूरा मामला है, किस चीज़ को लेकर के विवाद हुआ है? मैम ये विवाद जो है हमारी, मैं दरअसल आपको बता देता हूँ कि हमारी कोर्ट विजिट चली हुई मैम, और उसके अंदर क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट का प्रेजेंट होना बहुत मैंडेटरी है मैम, और जबकि 3 से 4 लड़कियाँ जो थी मैम वो कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी, मतलब कि अटेंडेंस नहीं लगा रही थी अपनी, कोर्ट विजिट अच्छी तरह नहीं लगा रही थी, और जब सर ने उनकी अब्सेंट लगाई तो उनको पता नहीं मैम क्या हुआ, किसी के दबाव में आके पता नहीं किसी के इशारों पे उन्होंने हमारी पूरी क्लास के खिलाफ मैम एप्लीकेशन लगाई हरासमेंट की। मैम मैम मेरे और साक्षी के खिलाफ मेंटली हरासमेंट की उसने एप्लीकेशन लगाई। क्या नाम कहते? जबकि वो, मेरा नाम राहुल है सर, जबकि वो खुद उसने अटेंड नहीं की कोर्ट विजिट, वो उसमें अपने प्रॉपर ड्रेस कोड में भी नहीं थी, और जब उसको बुलाया गया स्पेशल कि तुम आओ कोर्ट में आओ, तब वो बहुत लेट आई, और कुछ लड़कियां जैसे मैम सोमम है ये पंजाब से आई है, रात को इसने ट्रेवल करके स्पेशल कोर्ट विजिट से, सॉरी कोर्ट विजिट के लिए, क्योंकि लास्ट कोर्ट विजिट है ये, तो मैंडेटरी थी ये, तो उसकी भलाई के लिए सारी क्लास ने उसको बुलाया कॉल किया, और उसने हमारे ही खिलाफ की एप्लीकेशन दे दी मैम, और अब उसकी सुनवाई हो रही है, वो एक पार्टी की सुनी जा रही है, हमारी सुनी नहीं जा रही मैम। कोर्ट विजिट को लेकर पहले इन्फॉर्मेशन दी गई होगी उनको? हाँ जी मैम, व्हाट्सएप पे ग्रुप है मैम, सारे एक्टिव है उसमें मैम, सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो जान के नहीं आई, उन्होंने लाइटली लिया, उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं आए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नुकसान हमारा है, फिर भी सर मैम सारी क्लास ने उसका भला किया, लेकिन अब हमारी इधर वीसी सर के पास हमें नहीं मिलने दिया जा रहा, सुनवाई नहीं हो रही, इससे पहले भी क्लासेस होती रही हैं, उनमें एब्सेंट थी या किस तरह से? नहीं मैम वो तो एक नॉर्मल है मैम, जो नहीं जाएगा उसकी एब्सेंट लगेगी, और जो जाएगा उसकी प्रेजेंट लगेगी मैम, वो तो एक नॉर्मल है। क्या एप्लीकेशन दी गई है उनके द्वारा? मैम एप्लीकेशन दी गई है कि हमारे जो टीचर है उनके बारे में भी, साक्षी के बारे में भी, मेरे बारे में भी, और पूरी क्लास के बारे में, कि पूरी क्लास मेरे पे हरास कर रही है, मुझे मेंटली हरास कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पूरी क्लास उसकी भलाई के लिए उसको बुलाया, उससे प्रेजेंट लगवाई, फिर भी हमारे पे एप्लीकेशन दी जा रही है मैम, और हमारी सुनवाई के लिए हम इकट्ठे हुए, हमने सारी कोशिश कर ली मैम, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। उनकी बातचीत सुन ली गई है? आप लोगों ने अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की? मैम कोशिश की, एप्लीकेशन पूरी क्लास के खिलाफ है इसलिए मैम, लेकिन वो बोल रहे हैं अंदर से वीसी सर के पास सिर्फ एक ही मेंबर जा सकता है, जो हाँ, और वो 3 जने ऑलरेडी है मैम, एक जने को वो तो डोमिनेट कर लेंगे कि ये है, तो मैम हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 लड़कियां या सारी जाए, अपना पक्ष रखें, और सबको मैम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है मैम, लॉ के स्टूडेंट है मैम। जिस तरह से बात करें कि लड़कियों ने ही मेंटली हरासमेंट का इस आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया है, क्यों स्टार्ट हुआ? एक सिर्फ एब्सेंट लगाने को लेकर? हाँ ये एब्सेंट से ही हुआ था मैम, वो सुबह 8:30 बजे से हॉस्टल थी, ठीक है, उसने कहा कि मेरे घर प्रॉब्लम है, अगर उसके घर प्रॉब्लम है तो वो हॉस्टल क्या करिए, वो 8 बजे आई, उसके पापा छोड़ के गए हैं, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं मानता कि उसके घर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, फिर वो हमें मिलती है लंच में, क्योंकि उस टाइम तक हमारी किसी की वो नहीं लगी थी, अटेंडेंस नहीं लगी थी, तो मैं उनसे फ्रेंडली जाके मिली, मैंने कहा यार अभी तक अटेंडेंस नहीं लगी, तुम जाके अटेंडेंस लगवा लो, इतने एटीट्यूड में बोलती है नहीं लगवाते, हमारा ही नुकसान होएगा, होना है तो तुम्हें क्या, हम मैं जाके बताती हूँ सर को कि सर अब इनकी प्रेजेंट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी को कोई फायदा नहीं है मैम, अगर उनकी एब्सेंट लगेगी प्रेजेंट लगी हमारा कोई लॉस नहीं है ना ही हमारा फायदा है, ठीक है, फिर आप हम फिर भी कहते हैं चल हमारी क्लास की, आप उनका वेट करते हैं, उन्हें बुला लेते हैं, हमने कोई बहुत कॉल किया उनको, वो फिर भी नहीं आती, 3 घंटे वेट की उसकी, 3 घंटे से हम वेट कर रहे थे, फिर भी वो आई, वो ना तो प्रॉपर ड्रेस में ही आते ही भड़क गई पूरी क्लास के ऊपर, ये क्या गुंडागर्दी है ये, वो हमारे टीचर की डिसरिस्पेक्ट की पूरी कोर्ट में, ये अलग है, ठीक है, रूडली बोला मैम, पूरे कोर्ट में हंगामा किया उसने, हाँ पूरी उसने मतलब फुल वो किया हमारे, मतलब पूरी क्लास के ऊपर मतलब टूट पड़ी वो, काफी टाइम से क्लासें इकट्ठी ले रहे, पहले भी इस तरह का बिहेव देखा गया उनका, एटीट्यूड जो क्लास में, हाँ क्लास में मैम एक दिन सर मतलब सर ने हमें कुछ टॉपिक समझाया, तो सर सभी से प्रेजेंटेशन ले रहे थे, 2-3 बच्चों ने दे दी थी, सर बोले प्रीति अब आप बताओ, वो बोली सर मेरे को नहीं आता, बोले बताना तो पड़ेगा, मैंने बता दिया पूरी क्लास आपकी मदद करेगी, सभी क्लास वाले बोले कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, आप आगे तो जाओ, इतनी जोर से वो बोली
कि मेरे को नहीं लगाना, मेरे को बताना ही नहीं है, मतलब इतनी टूट पड़ी वो सर पे उस टाइम भी क्लास में, उन्होंने बहुत डिसरिस्पेक्ट की सर की, तो मतलब उसका ये बिहेव चलता ही रहा है। और अलग 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 ही बता रहे कि पहले भी है, पर आप लोगों ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों कंप्लेंट नहीं की इस चीज को? इसलिए नहीं की क्योंकि वो हमारी क्लास की मेंबर है, वो हमारी फ्रेंड है। अब 2 महीने रह गए, हम चाहते थे कि अब ये फाइनल ईयर है, 2 महीने हम सारी क्लास मिल के रहे, लेकिन अगर वो नहीं रहना चाहती है, अब उन्होंने हमारी क्लास के ऊपर ही जिन्होंने उसका फायदा सोचा उसी के ऊपर हरासमेंट का उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमारी सुनवाई हो मैम, उनको वो तीन लड़कियां हैं, उनको 2 बार अंदर बुला लिया गया, हमने बोला कि हमें भी एक बार तो कम से कम अंदर ही। हाँ, हम यहाँ पे 4 घंटे से बैठे हैं, लंच भी नहीं किया है बच्चों ने, सिक्योरिटी दी जा रही है पीछे, छोड़ा जा रहा है। हाँ, उनको सिक्योरिटी दी जा रही है कि आप आगे से मत जाओ, पीछे से जाओ, ठीक है? कम से कम हमें एक बार तो सुनवाई का अधिकार है ना, ये हमें सुनने का मौका मिलना चाहिए। मैम, हम यहाँ से 5 घंटे से वेट कर रहे हैं मैम, उनको उनकी बात जो उन्होंने रखी है, उनकी बातों को सुन के उनको पिछले गेट से उनको निकाल दिया जाता है मैम। 5 घंटे से हमने यहाँ पे खड़े हैं, नारेबाजी की है, लास्ट में आके हमने सिर्फ एक छोटा सा निर्णय लिया है कि जब तक हमें नहीं सुना जाएगा, उसके दौरान चाहे रात हो जाए, यूनिवर्सिटी के बाहर या भूमना चौक पे हम सोने के लिए रेडी है, जब तक हमें नहीं सुना जाए। और हर किसी बच्चे को जो भी कुछ होता है उसका जिम्मेदार ये यूनिवर्सिटी प्रशासन रहेगा मैम। कारण क्या मानते हैं, क्यों आप लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा मैम? कारण का मैम पता नहीं, लेकिन मैम इस वाइस चांसलर ने आज तक मैम भेदभाव किया है, करता था, करता रहेगा मैम। इस तरह से आप लोग भी यूनिटी में खड़े हैं पर आप लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे, वो फिर भी 3 लड़कों की सुनी जा रही है, लड़कियों की सुनी जा रही है, क्या कारण है? मैम, प्रायोरिटी लड़कियों को ही दी जा रही है। अंदर सर भी गए थे, सर की भी नहीं सुनी उन्होंने, सर को बोलने का मौका ही नहीं दिया, अंदर सर को मतलब डिसरिस्पेक्ट करके उनको वापस भेज दिया गया, हमें हमारे को अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा। प्रायोरिटी की बात करें, यहाँ पर भी लड़कियां हैं। यस मैम, यहाँ पे सबको बराबर दिखाया जा रहा है, तीन लड़कियों को ही सुना जा रहा है यहाँ, मतलब सर को भी नहीं सुना गया, और हमारी पूरी क्लास जो कि 40 बच्चे हैं, हमारे को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ उन 3 को प्रायोरिटी देंगे। और कॉल के लिए हमने कहा कि उनके पेरेंट्स को भी बुला लिया जाए, और हमारे पेरेंट्स भी आने को तैयार हैं, पर उनका को हमारे पास कोई सुनवाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हमारे को अंदर जाने का, और ना ही अंदर जाने दे रहे हैं, ना कोई रिस्पॉन्स आता है कि बस एक ही बच्चा जाएगा जिसका स्पेशल मेंशन नेम है सूरजमुखी का, और इसको फिर हम अकेले जाने देंगे क्योंकि इसको डोमिनेट करके अंदर ही मतलब दबाव डाल के उसके ऊपर उसको मतलब कहेंगे कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि पूरी क्लास हमारी एक साथ है। मैम, जब हम सही है तो हम दबे क्यों? मैम, ये पूरा डेकोरम ना पहले से डिसाइड था, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, जो हमारे टीचर प्रदीप सर थे उनको उसी टाइम ड्यूटी से हटाकर दूसरे टीचर को अपॉइंट कर दिया गया, ये पहले से डिसाइड था, उनकी सुनी जा रही है। हम भी यहाँ पर बच्चे, हम डे स्कॉलर्स हैं, हमें भी घर जाना है, अभी तक सुनी नहीं रहे, कब से खड़े हम, 3 से 4 घंटे हो गए अभी तक, लंच भी नहीं। एक बात तो बात सुन ली जानी चाहिए, सब क्लास सबकी है, वो टीचर सबकी क्लास लेते हैं, तो एटलीस्ट सबका डिसीजन होना चाहिए कि टीचर को हटाना या नहीं हटाना। उनके आते ही उनकी 2 मिनट बात सुनी, हमारे टीचर को हटा दिया, ये तो कोई रूल नहीं है ना, क्लास सबकी है, उन तीनों की क्लास नहीं, उन तीनों से क्लास नहीं चलती। और उन तीनों ने मैम सर पे भी आरोप लगाया है, 50% भी क्लास नहीं लगाई अभी तक पहले भी सर पे भी आरोप। भारत माता की जय, भारत माता की जय, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन। सर, क्या पूरा मामला है बच्चों का? कुछ नहीं है, हमारे ना एक कैरिकुलम में इशू होता है, फ्रेमवर्क है कैरिकुलम का, सिलेबस का, कोर्ट विजिट, तो बच्चे कोर्ट विजिट पे गए थे, तो वहाँ इनके कोई आपस में बच्चों के मनमुटाव हुए हैं, कोई आपस में डिफरेंसेस हुए हैं, तो 3 बच्चों ने कंप्लेंट दे दी, उसके बाद जो है बाकी बच्चों ने कंप्लेंट दे दी, वो मिलने आए इसी साहब से, इसी साहब किसी मीटिंग में बिजी होंगे, तो उन्होंने तो इनका बच्चे थोड़ा अपना पेशेंस लूज कर गए, तो वीसी साहब ने मेरे को मार्क किया, मैंने कल सुबह 10 बजे बच्चों को बुलाया, तो देखेंगे कैसा क्या है।